अटैक, खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। राबड़ी देवी पर वेब सीरीज महारानी बनी, जिसने लगातार सुर्खियां बटोरी और इस पर राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आपत्ति भी जताई। अब मीडिया में एक खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। खबर ये है कि सिवान के बाहुबली दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर रंगबाज नाम की एक वेब सीरीज बनने जा रही है, जिसमें आकांक्षा सिंह मुख्य भूमिका निभाएगी और इस वेब सीरीज में अपनी भूमिका को लेकर आकांक्षा लगातार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के वीडियोस देख रही हैं, उनके पुराने बयानात सुन रही है, क्योंकि खबर है कि आकांक्षा सिंह इस वेब सीरीज में हिना साहब के चरित्र में नजर आएगी और इस वेब सीरीज की शूटिंग जो है वो लखनऊ में शुरू हो चुकी है। इस जानकारी के सुर्खियां बटोरने के बाद शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो बेहद सख्त मूड में नजर आ रहा है। हिना साहब ने अपने लेटर पैड पर चिट्ठी लिखकर मुंबई फिल्म सिटी मैगजीन को भेजी है और कहा है कि शहाबुद्दीन का परिवार किसी भी वेब सीरीज, फिल्म या सीरियल के लिए परमिशन नहीं दे रहा है और जब तक उनके परिवार की परमिशन नहीं ली जाती तब तक उनका परिवार किसी भी फिल्म या वेब सीरीज बनाने की इजाजत नहीं देता और अगर फिर भी कोई निर्माता, निर्देशक इस तरह की वेब सीरीज या फिल्म बनाते हैं तो शहाबुद्दीन का परिवार सख्त एक्शन लेगा। इस पूरे मामले पर परिवार के करीबी पारिवारिक मित्र ने क्या कुछ कहा है, जरा बयान सुनिए। देखिए, हिना साहब ने कोई किसी को ऑथराइज नहीं किया है कि साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे या उनसे संबंधित कोई भी मूवी रिलीज कोई बनाए या रिलीज करे। जब तक कि परिवार का कंसर्न नहीं होगा, स्टोरी वो लोग देखेंगे नहीं, तब तक किसी को राइट उन्होंने नहीं दिया। अभी तक बहुत लोग अप्रोच किए लेकिन किसी को उन्होंने राइट नहीं दिया। एक लेटर है, आपको दिखा भी दें, हम लोग ऑलरेडी इसको ट्रेड मैगजीन में इसको हम लोगों ने भेजा है, आप देख सकते हैं 5/6/2022 को, लेकिन अभी परिवार की तरफ से किसी को ऑथराइज नहीं किया गया। और क्या कोई अपने तरफ से भी कुछ तैयारी की जा रही है जिसको वो लोग देखेंगे, ओके करेंगे इस तरह से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं शहाबुद्दीन के ऊपर, परिवार देखेगा, अगर उस पर कोई मूवी बनाना चाह रहा तो उसको दिया जाएगा परमिशन। तो परिवार के ऊपर डिपेंड है ना, परिवार को स्टोरी पसंद आएगी उनसे संबंधित, विदाउट इनके कंसर्न से आप कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी टीवी सीरियल नहीं अपना सकते। तो जो ये रंगबाज या रंगदार करके जो पिक्चर आ रही है, अगर नहीं उस तरह का सलाह लिया गया करके तो क्या विरोध होगा? नहीं, विरोध देखिए, हम लोग किसी को राइट दिए नहीं है तो कोई कैसे बनाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है ना राइट। जब तक हम दिया, परिवार ने दिया नहीं है तब तक कोई कैसे बनाएगा। तो मीडिया के माध्यम से ना, मीडिया चीप पब्लिसिटी के लिए गेन लोग कर रहे हैं, ऐसा परिवार की तरफ से कोई ऐसा किसी को ऑथराइज नहीं किया गया। शहाबुद्दीन के दोस्त हैं अजय तिवारी, परिवार के भी बेहद करीबी बताए जाते हैं ये, और ऐसे में उनका ये बयान बेहद अहम है। अपने बयान के दरमियान देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने चिट्ठी भी दिखाई। इस चिट्ठी में देखिए कि क्या कुछ लिखा है हिना साहब ने। ये लेटर पैड है हिना साहब का, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है हिना साहब, और उन्होंने सख्ती के साथ पूरी बात सामने रखी है। कहा है कि बिना परिवार की रजामंदी के अगर कोई फिल्म बनती है, अगर कोई वेब सीरीज बनती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि सिवान के चर्चित सांसद थे शहाबुद्दीन, बाहुबली वाला उनका अंदाज था, आरजेडी के पुराने नेता थे, फाउंडर मेंबर में से एक थे। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है कोरोना त्रासदी के दरमियान, वो कोरोना से संक्रमित थे और तब से ही शहाबुद्दीन का जो परिवार है उस वक्त सुर्खियों में आया था जब बेटे और बेटी की उन्होंने शादी की थी। उसके बाद एक बार फिर से शहाबुद्दीन का परिवार सुर्खियों में है, क्योंकि परिवार ने सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी है उस फिल्म मेकर पर जिसने भी शहाबुद्दीन से इंस्पायर्ड कैरेक्टर पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाई। चलिए, परिवार ने तो अपनी बात रख दी है, अब देखना होगा कि रंगबाज वेब सीरीज जो चर्चाओं में है कि ये वेब सीरीज जो है वो शहाबुद्दीन और हिना साहब के चरित्र पर आधारित होगी, देखते हैं कि आखिर वो आगे बढ़ती है या फिर कोई और बात सामने आती है। देखते हैं कि वो वेब सीरीज बनती है या फिर अटकती है। सिवान से हमारे संवाददाता चंदन की रिपोर्ट आप देख रहे थे।